सो हेलो गाइस, फाइनली इज बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एडीएस और नॉन एडीएस सेटिंग के बारे में, और हमारा जो एम सब्जेक्ट होता है फायरिंग के टाइम, इसे आप कैसे बंद कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। तो सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो जैसे आपको पता है एडीएस मतलब फायरिंग विद स्कोप ऑन, और नॉन एडीएस मतलब फायरिंग विदाउट स्कोप ऑन। सो इस दौरान क्या होता है, आपका जो आप जब फाइट लेते हैं तो आपका जो एम है वो अलग से ही हिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मतलब जो अपना एम है वो इधर से उधर हिल जाता है और आपका जो एम है वो चौक हो जाता है। सो इसके कुछ रीजन्स है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट रीजन की, तो वो है इसके लिए हम आते हैं कंट्रोल्स में, और कंट्रोल में हम सिलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड लेआउट जो हमारा डिफॉल्ट रहता है। आप देख सकते हैं डिफॉल्ट लेआउट है, तो राइट वाला में आप देख सकते हैं जो बटन है फायरिंग बटन, और लेफ्ट वाला, वो दोनों अलग अलग फायरिंग बटन होते हैं और इनका दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो लेफ्ट वाला बटन होता है इसको हम बड़ा करेंगे और ऊपर रखेंगे, और जो डिफरेंशिएट है दोनों में वो ठीक से देखेंगे। सो ये रहा मैंने लगाया, अब आप देख सकते हैं। तो इसे सेव करते हैं और निकलते हैं। सो हम बात करेंगे लेफ्ट और राइट के जो बटन रहते हैं उसके बारे में, फायरिंग करके आपको दिखा देंगे। तो सो मैं फायरिंग कर रहा हूँ राइट वाला बटन, और अगर मेरा थोड़ी भी उंगलियाँ हिल जाती है तो जो मेरा एम है वो भी हिल जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं एम ड्रैग कर रहा हूँ और ऊपर आप देख सकते हैं जो पॉइंटर दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो एम है वो भी हिल रहा है। सो इसी वजह से आपका जो एम है वो फ्लक्चुएट होता है, आपको इस बटन को यूज़ नहीं करना है फायरिंग के टाइम। तो आप देखते हैं लेफ्ट वाले बटन को, तो आप देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट वाले बटन को भी छूकर टच कर उसे भी हिला रहा हूँ, तो आपका जो एम है वो हिल नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है, जब आप इससे टच करेंगे और इससे आप फायर करेंगे, अगर आपका उंगली हिल भी जाती है तब भी आपका जो एम है वो हिलने नहीं वाला, आपको इसी बटन को यूज़ करना है। सो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, वो आप देख सकते हैं वो क्या करते हैं, जो बटन्स है वो एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं, तो क्या होता है अगर आपकी गलती से भी जो लेफ्ट राइट वाला बटन था उससे टच हो गया वो आपका जो उंगली हिल गई, उससे क्या होगा, आपका जो एम है वो हिलने वाला है। तो इसी वजह से आपको जो लेफ्ट वाला बटन था वही यूज़ करना है हर टाइम, आपको ऐसे दो बटन एक साथ नहीं रखने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो राइट वाला बटन है उसके जो साइज़ है आपको उसको ज़ीरो करना है, एकदम मिनिमाइज़ करना है, और जो जो ए वाला बटन है इससे ही उसको ऊपर से रखना है, जिससे आपके जो फायरिंग है वो अच्छे से होगा और आपका एम भी है वो भी चौक नहीं होगा। अपना जो नेक्स्ट रीज़न है वो आपका सेंसिटिविटी, आपका जो थर्ड पर्सन की एडीएस सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम नहीं रखनी है, आपको 100 से आसपास ही रखनी है, जिससे आपका जो एम है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो बस इतनी ही था इसलिए वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे प्लेइंग कीप ग्रोइंग।